इरिटेट करता है जानवर नहीं, हम लोग इसमें फोस अल्टीमा यानी फॉस्फोरस का लेटेस्ट रिसर्च अगर देखा जाए तो बूटा फॉस्फेन है, फॉस्फोरस का लेटेस्ट रिसर्च। और उसी तरह अगर विटामिन B12 का लेटेस्ट रिसर्च देखा जाए तो हम लोग इसमें मिथाइल कोबालामीन लिए हैं मार्केट में, यानी कि जितने सारे कंपनी का फॉस्फोरस ग्रुप में दवाई है सब में बूटा फॉस्फोन है नो डाउट, लेकिन विटामिन B12 में सब में साइनोकोबालामीन है वो भी 50 माइक्रोग्राम। पहला चीज। दूसरा चीज, आप साइनोकोबालामीन और बूटा फॉस्फेन जो शरीर में लगाते हैं जानवर में, लगाने के बाद साइनोकोबालामीन जो है वो टूटता है, जैसे देखा जाए होता क्या है उसमें कि बूटा फॉस्फेन जो अभी बोले हैं बूटा फॉस्फेन फॉस्फोरस और ये बूटा फॉस्फेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे फास्ट एक्टिंग मॉलिक्यूल है जो अभी फॉस्फोरस का सबसे लेटेस्ट रिसर्च आया है मार्केट में वो है बूटा फॉस्फेन। और इसकी पोटेंसी हम लोग फॉस अल्टीमा में 100 mg दे रहे हैं ईच एम एल और 10 mL दे रहे हैं तो 1000 mg हुआ यानी 1 ग्राम बूटा फॉस्फेन हुआ शरीर में। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है मिथाइल कोबालामीन ये विटामिन B12 परिवार से आता है और वो विटामिन B12 का सबसे फास्ट है क्योंकि सबसे लेटेस्ट रिसर्च है वो है, यानी दोनों एक साथ कर दिया गया, दोनों एक साथ फास्ट एक्टिंग मॉलिक्यूल इसलिए कंबाइन किया गया कि कहीं भी फॉस्फोरस डेफिशिएंसी का केस हो या फिर न्यूरो से रिलेटेड केस हो क्योंकि नर्वस सिस्टम के लिए मिथाइल कोबालामीन का ही मिल सकता है, दोनों एक साथ है तो हर जगह हर कोशिका में जाकर के फास्ट एक्टिंग काम करें। तो ये दोनों एक साथ मॉलिक्यूल जो बता रहे थे साइनोकोबालामीन और मिथाइल कोबालामीन का अंतर जिसे अभी मार्केट में और सब कंपनी में लिया है ये कंपोजिशन, लेकिन बाकी कंपनी में बूटा फॉस्फेन के साथ साइनोकोबालामीन है मिथाइल कोबालामीन नहीं है। अब अंतर क्या है कि साइनोकोबालामीन कंपोजिशन अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो वो जानवर के शरीर में जाकर के साइनोकोबालामीन का जो कार्बन बॉन्ड है वो बॉडी के अंदर टूटेगा और तब वो आयनाइज होगा ना, आयनाइज होगा होकर के साइनोकोबालामीन मिथाइल कोबालामीन में कन्वर्ट होगा तब वो काम करेगा। तो सवाल यहाँ पर ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल शरीर के अंदर जाकर के टूटेगा तब कन्वर्ट होगा, उसमें कुछ समय लगेगा और कुछ वेस्टेज भी जाएगा क्योंकि टूटने के बाद सब तो आयनाइज हो नहीं पाएगा, जिसका कार्बन बॉन्ड टूटा वो आयनाइज हुआ, जिसका कार्बन बॉन्ड नहीं टूटा वो आयनाइज नहीं हो पाया, नहीं हुआ मतलब पेशाब करेगा जानवर का जैसे बाहर। तो हम लोग यहाँ पर यूनिक यही चीज है फॉसल जीवन में कि मिथाइल कोबालामीन डायरेक्ट दे रहे हैं साइनोकोबालामीन नहीं मिथाइल कोबालामीन, ये टूटेगा नहीं शरीर में जाकर के और जितना दे रहा है वो टोटल पोटेंसी शरीर में काम करेगा। और पोटेंसी कितना दे रहा है ये चीज़ गौर कीजिएगा, बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखता है कंपनी कंपोजिशन वाला लाइन, हम लोग बूटा फॉस्फेन 100 mg दे रहे हैं तो मिथाइल कोबालामीन भी 100 μg दे रहे हैं जबकि अदर कंपनियाँ बूटा फॉस्फेन तो 100 mg देती है लेकिन साइनोकोबालामीन देती है वो भी 50 μg, अगर 50 μg साइनोकोबालामीन इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी में पूरे 50 मिथाइल कोबालामीन नहीं कर पाएगा, जस्ट लाइक कि हम लोग अगर 50 किलो गेहूँ पिसवाते हैं तो 50 किलो अंडा नहीं मिलेगा कुछ जल्दी जाएगा। और यहाँ पर है कि पहले से ही 100 किलो आटा ही दिया गया यानी डायरेक्ट मिथाइल कोबालामीन, तो अंतर यहाँ पर बहुत बड़ा है। अगर पूरे का पूरे कुछ अदर कंपनी का साइनोकोबालामीन मिथाइल कोबालामीन में बदल जाता है पूरे 50 का 50 तो ये दोगुना मिथाइल कोबालामीन। और MRP से अगर कंपेरिजन करते हैं ये तो होगा कंपोजिशन का कंपनी है लेकिन MRP कंपेरिजन में हम लोगों का काफ़ी सस्ता है, जैसे 100 mL का भारी फसल की हम लोग बनाए हैं 350 रुपये का और 30 mL का 150 रुपये MRP, अभी जिसका साइनोकोबालामीन है आधा पोटेंसी में उसका भी 150 रुपये है 160 रुपये तक का, हम लोग उससे 10 रुपये सस्ता में 30 mL बनाया जो कि प्रशिक्षण के लिए और 100 mL बैग यूज के लिए। खास करके फसल की में कुछ स्पेशल फीचर जो है दोनों फास्ट एक्टिंग मॉलिक्यूल है और एडिटेट नहीं करता है, जैसे बहुत सारा मॉलिक्यूल इंजेक्ट करने के बाद खास करके आयन देने पर बहुत छटपटाती है जानवर, फॉसल्टीमा इरिटेट नहीं करेगा। साथ ही साथ फॉसल्टीमा में IM/IV दोनों है, IV जैसे ही हो गया तो सलाइन में भी यूज किया जा सकता है। फॉसल्टीमा को आप जहाँ मेटाबॉलिक डिजॉर्डर का केस है जैसे बाइट के जानवर उठ नहीं पा गया वैसे केस में, या फिर प्रोटोजोअल डिजीज जैसे रेड वाटर का ट्रीटमेंट, सारा का ट्रीटमेंट, थर्मियोसिस का ट्रीटमेंट, पाई का मिट्टी खाती है, गंदा सामान खाती है, रस्सी चबाती है, पेशाब पी लेती है जानवर, या फिर लीकिटी वैसा जानवर जिसके थन से अपने आप दूध टपकता है या बैठने के बाद थन के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव दबाव बना दूध बहने लगे वहाँ के लिए फॉसल्टीमा बेस्ट होगा, चूँकि वो जो टीट होता है ना जानवर का उसका मसल्स का टोन घट जाता है और टोन घटने के कारण ऊपर से दूध का प्रेशर पड़ता है वो खुल जाता है और दूध बहने लगता है।
गांव देहात में उसको लोग बोलता है कि दुधारू है, खासा है, इसीलिए ज्यादा दूध गिर रहा है, लेकिन नहीं, वो एक तरह का डिजीज है जो कि फास्फोरस डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ चलेगा फसल बीमा। जिस जानवर में आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हीट में नहीं आती है, उस केस में दे सकते हैं। रिपीटर्स के केस में AI के बाद अगर 10 ml लगाते हैं, कंसेप्शन रेट आपको बढ़ा देगा। जहाँ वास उस कर रहे हैं यूट्रस का, वहाँ पर 15 ml करके अल्टरनेट करके लगाते हैं, एक दिन भी छोड़ के, वहाँ पर बेस्ट होगा फसल बीमा का। या फिर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, जहाँ वहाँ फेंकता है जानवर को, उस केस में भी आप 15 से 30 ml तक दे सकते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से बॉडी के एनर्जी लेवल को चार्ज करता है, यह हर कोशिका पहुंच के उसको एनर्जी देने का काम करता है, एटीपी फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। अगर आप पहले जो फास्फोरस यूज कर रहे थे उससे 10 गुना 8 को ट्रीटमेंट आपका सक्सेस कर रहा था, तो ये 9 जरूर कर देगा, 7 कभी नहीं होने देगा। क्योंकि वाकई इसमें अगर फास्ट एक्टिंग मॉलिक्यूल मिलाया गया, इसका रिजल्ट भी फास्ट आपको दिखेगा सर।